बेटा गिर जाएगा। उन्होंने जैसे अविनाश को मारा था वैसा ही उसको भी मार दिया। क्या? यह आत्महत्या नहीं है, हत्या है। उठो बेटा, उठो उठो उठो। अरे ये बाबा कहाँ चला गया? अरे कहाँ गए थे तुम? मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और ये हथकड़ी कैसे खुल गई? घबराओ मत हवलदार, कहीं भाग नहीं रहा हूं मैं। तुम जानते नहीं हो, तुमने हथकड़ी खोलकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली है। तुम पर एक केस और चलेगा हिरासत से भागने का भी, समझे? पिछले 15 सालों से कैद में हूं, अगले महीने मेरी रिहाई होगी। मैं अब क्यों भागूंगा? और हाँ हवलदार, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से ड्यूटी पर सोना भी एक अपराध है। यहीं सो रहे थे ना तुम? वो देखो। ठीक है ठीक है। क्रिस सुनिए, क्रिस नहीं है यहाँ। क्रिस 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 तुम बेटा, तुम ठीक तो? चलो चलो यहां से। आप कौन हो? बद्री, आपका बेटा नींद में चल रहा था, गिरने वाला था कि मैंने उसे बचा लिया। बाबा मुजरिम है मगर झूठ नहीं बोलते। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आपका धन्यवाद। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, मेरी जगह कोई और होता तो वो बचा लेता। सुनिए जरा यहां आइए। हाँ आता हूं सुधा। शुक्रिया। सुनिए, आपका बेटा बेहोशी की हालत में कुछ कह रहा था। क्या बोल रहा था? यही कि अविनाश और अयूब की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या थी। जाइए, आपकी पत्नी चिंता कर रही है, घर परिवार को कभी चिंता में नहीं डालना चाहिए, चिंता चिता समान होती है। एक घर परिवार ही है जो सब कुछ होता है, इसलिए घर परिवार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जाइए। Excuse me, आपको पता होगा गायत्री जी कहाँ पर हैं? यहाँ पे गार्डन में है वो। थैंक यू। बहुत मजा किया है आप गायत्री जी, यकीन मानिए बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। रुद्र यहाँ पर? तू यहाँ क्यों आई है? माँ, नमस्कार, हमारा नाम रुद्र। वैसे गायत्री जी भी कमाल की शख्सियत है। मेरी बेटी अपने संस्कार भूल चुकी है, तो मैंने इसे सिखाया जैसे अपना परिचय देना,
रहने दीजिए ना गायत्री जी, आप इन पर नाराज मत होइए। हम रुद्र होटल चेन्स के मालिक, हमने इस आश्रम के लिए साल भर के लिए राशन देने का वादा किया। रहने दीजिए, मेरी बेटी दान धर्म दया कुछ नहीं समझती, घमंडी। समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, की कुछ इंसिद समय रहा। गायत्री जी खामोखा आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते। आपसे मिलकर अच्छा लगा समायरा जी, और अगर आयुब के बारे में अपना मुंह खोला तो इस आश्रम और यहाँ पे रहने वालों को तबाह कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। क्यों आई है यहाँ? माँ मुझे समझाने का मौका दो, बस एक बार मुझे आपको बताने दो। यहाँ मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे ध्यान का समय हो गया। पैसे पैसे चाहिए ना आपको, पैसे चाहिए ना आपको, ये लीजिए, पैसे चाहिए ना आपको, ये लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए, पैसों की पड़ी आपको, ये लीजिए, ले लीजिए पैसे। ये क्या किया? तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखा, मैं जीत गया ना, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। कहीं से भी बिचारी पैसे लेकर आई, अब तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो, अब मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। माँ ऐसा मत कर, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया माँ, सब कुछ तेरे लिए किया माँ, प्लीज ऐसा मत कर माँ, ऐसा मत कर माँ, ऐसा मत कर माँ। मैंने तुझसे कहा था ना अपनी जान दे देना, पर अपने बाप के रास्ते पर नहीं चलना। मगर अफसोस तू अपने बाप की सगी निकली ना। Ah
राजीव, आपको डिस्टर्ब हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। दरअसल कौशल्या जिद करने लगी कि इसे कृष को देखना है, इसीलिए आना पड़ा। वैसे अब उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब ने कहा है कि कृष को बहुत जल्दी होश आ जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, सुधा भी कृष को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। माधव जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या आप? हाँ, मैं आता हूँ। आई माधव जी, मुझे पूरा यकीन है कि हवलदार अय्यूब सिद्दीकी ने आत्महत्या नहीं की। हालांकि पुलिस महकमे का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, उसी तरह जैसे मेरे बेटे अविनाश ने की थी। पर मैं जानता हूं कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की है, इन दोनों की हत्या की गई है। इंस्पेक्टर गोविंद महात्रे को पता चल गया था कि हवलदार अय्यूब मेरे बेटे अविनाश की फाइल उसने लेकर आपको दे दी है। देखिए माधव जी, आप एक पत्रकार हैं, हम साधारण लोगों से ज्यादा ताकत रखते हैं आप, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मामले की जड़ तक जाएं, पता लगाएं इन मौतों के बारे में कि आखिर सच क्या है। कैलाशनाथ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस मामले के तह तक खुद जाना चाहता हूं, क्योंकि इन सारी बातों का असर मेरे बेटे कृष की जिंदगी पर हो रहा है। लेकिन मैं एक हद तक ही जा सकता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे बेटे कृष और मेरी बीबी की जिंदगी खतरे में है। चलिए भाई। सुधीर, वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है ना? रुद्र, सर समय रहा। गुस्से में तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे हम आप ही का इंतजार कर रहे थे क्यों सुधीर? हाँ सर। वेलकम। यू नो समायर, मैं आज बहुत परेशान हूं और मेरी परेशानी की वजह अगर कोई होता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और बदकिस्मती से वो वजह तुम हो। मैंने सुना कि तुम बहुत भड़क रही थी, तो जानती हो समायरा, कि विक्रांत सिंघानिया के खिलाफ अगर कोई भी कुछ करता है तो उसका क्या हश्र होता है। और अगर किसी ने मेरी माँ से मिलने की कोशिश की तो तुम ये नहीं जानते कि मैं उसका क्या हश्र करूंगी। समायरा, मेरी टीम को धमकी देने का मतलब मुझे धमकी देना, और ये तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। यू नो समथिंग, मुझे खूबसूरती की तारीफ भी करनी आती है और उसे बर्बाद भी, पर लगता है कि
तुम्हारा हमसे छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। और तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी से क्या कहते हो सुधीर? समायरा, ठंडे दिमाग से काम लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। समायरा, जोश में नहीं होश में आकर सोचो और बात करो। समायरा, जिस काम को साथ साथ हम लोग इतने आगे तक लेकर गए उसको बिगाड़ने में कुछ नहीं मिलेगा, समझ गई तुम? विक्रांत सर, सर आप भी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए सर। समायरा हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, प्लीज एक बार उसे माफ कर दीजिए। सर प्लीज। मैं तुम्हें पसंद करता हूं सुधीर। चलो तुम्हारे लिए आज मैं समायरा को माफ कर देता हूं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ सुधीर, दोबारा सा नहीं होगा सर। That's good. अच्छा सुधीर, वो स्कूल का क्या हुआ? सर मेरी रुद्र और गोविंद से, रुद्र या गोविंद? सर मेरी गोविंद से बात हो गई है, वो इस काम में लगा है और पिछले एक हफ्ते से स्कूल में कोई क्लासेस नहीं लग रही हैं। बस सर कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद वो स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और सर वो जमीन हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। लिटिल हार्बर एलिमेंट्री स्कूल हमेशा के लिए बंद। चले कौशल्य। मैं एक बार क्रिश को अंदर जाकर देख सकती हूँ? उसकी क्या जरूरत है? जीप। मेरा मतलब है वो अभी होश में नहीं है इसलिए। सुधा, कौशल्या जी क्रिश को देखना चाहती है, कम से कम उन्हें बाहर से तो देखने दो। आइए कौशल्या जी। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।